नवाजशिफ साहब अगर वापस आना होता उन्होंने तो उनके लिए बेस्ट टाइम तो अपनी गवर्नमेंट थी ना, पंजाब में उन्हीं की गवर्नमेंट की एक एक्सटेंशन है, यानी पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, ये कोई निगरान हुकूमत, ये एक निगरान हुकूमत के नाम पर पीएमएलएन की एक्सटेंशन है, और जो आईन की सरीहन खिलाफ वर्जी के बावजूद भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपना काम जारी और सारी रखे हुए हैं। तो जब आप दस्तूर की इतने बयान अहकाम का मजाक उड़ा सकते हैं तो ऐसी सूरत में तो इमरान नवाज शरीफ साहब को फौरन तशरीफ ले आना चाहिए था, क्योंकि जब और फिर उनके उनसे पहले आप देखिए कि दीवाचे के तौर पे क्या हुआ, इसहाक डार साहब मुल्क से बाहर थे, उन्हें अदालत ने कहा कि जनाब आप आ जाए आपको हम फांसी जमानत देते हैं, जब हमजा शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर तशरीफ रखते थे वहां से उन्हें कहा गया कि जनाब आप आ जाए हम आपको, और फिर आते ही इन सब के मुकदमे खारिज होना शुरू हो गए, और फिर जिस तरह हमने खुद जनाब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुकदमा देखा कि चंद दिन पहले जिस केस में एफआईए उन्हें कह रहा था कि ये ओपन एंड शट केस है, उसके बाद वही एफआईए कह रहा है कि नहीं जनाब वो तो हमसे बड़ी गलतियां हो गई थी, लिहाजा हम तो मुलजिम को समझते हैं कि मुलजिम बिल्कुल मासूम अनिल खता है और ये इसको बरियत इसका हक है। तो जब कानूनी निजाम हुकूमत के इस तरह ताबे चल रहा हो तो यही तो टाइम था नवाज शरीफ साहब की वापस तशरीफ आवरी का। इमरान खान साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, इनका अपना अपना तरीकाकार है मामलात को आगे बढ़ाने का। इमरान खान साहब एक जारहाना अंदाज में आगे अपनी इनिंग खेल रहे हैं और जनाब नवाज शरीफ साहब ने मुल्क से बाहर रह के इसी तरह की इनिंग खेली और उसके नतीजे में जाहिर है पाकिस्तान के अंदर कुछ एक डिस्पेंसेशन रीडिस्पेंसेशन हो गई। तो उनका तरीकाकार अलग है और फिर ये जो हुकूमत इस वक्त कायम है इसकी अखलाकी साख तो पहले दिन से नहीं है, तो अखलाकी साख तो ये खो चुकी है और फिर खास तौर पर आखिरी दिनों में जिस तरह इसने पर्चियों पे कानून साजी फरमाई है, तो इस कानून साजी के बाद तो पता चल रहा है कि पूरे का पूरा निजाम किसी एक शख्स को रोकने के लिए है या किसी एक शख्स का रास्ता हमवार करने में मसरूफ है। तो अब भी अगर किसी को अपना रास्ता हमवार होता हुआ और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब को नजर नहीं आता तो इससे बेहतर सोच ये कभी भी नहीं होगी।